नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। लॉकडाउन के समय में सोशल मीडिया पर कुकिंग स्पर्धा में राज्य कक्षा में विजेता बनी हेली शाह, अपने आईटी करियर के साथ कुकिंग की हॉबी को भी देना चाहती है तवज्जो। संजय नगर के विस्थापितों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को दी श्रद्धांजलि, जूतों का हार तस्वीरों पे पहनाकर आयोजित किया बेसना। अंतर्राज्यीय लग्जरियस कार चोरी और बिक्री का पर्दाफाश करती पीसीबी पुलिस, तीन आरोपी समेत बड़ी मात्रा में वैभवी कार का काफिला किया बरामद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबरों में बात करते हैं लेडी शेफ की। जी हां, बड़ौदा शहर की हेली शाह ने लॉकडाउन के समय में सोशल मीडिया पर आए कुकिंग कंटेस्ट में राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। इनसे मिलिए, ये है हेली शाह, जिन्होंने लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर आए कुकिंग कंटेस्ट में राज्य में प्रथम क्रमांक हासिल किया है। रंगीलू रसोड़ू कुकिंग कंटेस्ट में हेली ने पास्ता ए टास्का नाम की रेसिपी को बनाया था। ऑनलाइन वीडियो के जरिए हेली ने यह पूरी रेसिपी बनाई थी, जिसे गुजरात में प्रथम स्थान मिला है। पास्ता ए टास्का को बनाने में हेली को करीबन एक घंटे का वक्त लगा था। हेली को अपने स्कूल टाइम में होने वाली डिब्बा पार्टी से कुकिंग में और खास करके कुछ नई रेसिपी बनाने में रुचि जगी, जिसके बाद अपने इस शौक को आगे बढ़ाते हुए हेली शाह ने कई कुकिंग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया और अब तक उन्होंने 5 से 6 सर्टिफिकेट अपने नाम किए हैं। सॉफ्टवेयर और आईटी क्षेत्र से जुड़ी हेली शाह अपने करियर के साथ अपनी हॉबी को भी उतना ही तवज्जो देना चाहती है। अपनी इस एक और कामयाबी के बारे में हेली ने बीआरजी न्यूज से खास बातचीत की थी। જ્યારે લોકડાઉન ચાલતું હતું ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર એક એડ જોઈ મેં, અને એમાં રંગીલું રસોડું કરીને એક કોમ્પિટિશન હતી, કુકિંગ કોમ્પિટિશન હતી। તેમાં ઓલ ઓવર ગુજરાતમાં મારો ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો છે અને મેં વડોદરા રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે। તેમાં મેં પાસ્તા એ ટાસ્કા રેસિપી બનાવી છે। મને રેસિપી બનાવતા 1 કલાક જેવું થયું અને એમાં એડિટિંગને હાથે કરીને 8 મિનિટનો વિડીયો બન્યો છે। અત્યાર સુધી મેં બહુ બધી કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો અને એમાં બીજો રેન્ક, થર્ડ રેન્ક એવી રીતના મને ઇનામ પણ મળ્યું છે। ના, મેં ભાગ લીધો હતો જ્યારે મોટી મોટી ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં પણ થાય છે કોમ્પિટિશન, એમાં પણ હું ભાગ લઉં છું। આગળ જઈને હું એક સોફ્ટવેર ડેવલપર છું, તો આઈટી અને કુકિંગ બંનેને એ કરીને એક કેફે ઓપન કરીશ। મને આ શોખ નાનપણથી જ છે, પણ કુકિંગ તો મોસ્ટલી બધી છોકરીઓ, લેડીઝ બધા જ કરતા હોય છે, પરંતુ જો એમાં ઇનોવેશન લાવો એ એક મોટો ટાસ્ક છે। જો તમે પબ્લિકને નવું કંઈક આપશો તો પબ્લિક તમારી પાસે। लॉकडाउन और अनलॉक 1 और 2 में फिलहाल बाग बगीचों को बंद रखा गया है। बात करें कमाटी बाग की, तो कमाटी बाग में चल रहे फन पार्क के संचालकों ने अब 3 महीने वेतन देने के बाद उनके कर्मियों को निकालना शुरू कर दिया है। फन पार्क के संचालकों ने शर्तीय मंजूरी के साथ फन पार्क और कमाटी बाग को शुरू करने की अपील की है। बड़ौदा शहर में आया कमाटी बाग फिलहाल बंद है। कोरोना संक्रमण के चलते बाग बगीचों को खोलने के निर्देश अभी नहीं दिए गए हैं। कमाटी बाग में फन पार्क समेत की तमाम मनोरंजन की प्रवृत्तियां भी अभी बंद है। तब खोडल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो इस पूरी गतिविधियों का संचालन करता है, उसकी भी आर्थिक हालत तंग है।
लॉकडाउन के बाद लगातार 3 महीने वेतन देने के बाद अब खोडल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में कमाटी बाग में काम करते अपने 15 से 20 कर्मियों को फिलहाल काम से निकाल दिया है और प्रशासन से ये अपील भी की है कि बाग बगीचे समेत फन पार्क को शुरू करने की शर्तीय मंजूरी दी जाए जिससे इससे जुड़े कर्मियों और उनके परिवारों की आमदनी शुरू हो। मार्च महीनाथी जारेथी लॉकडाउन जाहिर थी गयु त्यारथी आपणे अहींनी कमाटी बागनी अंदर जे एक्टिविटी चाली रही है जॉय टेन है राइड से कैंटीन है ये बधु सदंतर बंद थी गयु जेने लीधे एक पण रुपयानी इनकम छेल्ला 4 महीनाथी आपणे अहींया आगळ छे नहीं जेथी आर्थिक नुकसान तो खूब गयु छे। हाल में जे अमारा जे कर्मचारीओ हता ए छेल्ला 3 महीनानो अमे पगार चूकवेलो हतो त्यार पछी एक पण रुपयानी इनकम न होवाना कारणे अमारे कर्मचारीओने हाल में ना पाड़ेली छे अने જ્યારે ચાલુ થશે આપણું કમાટી બાગને આ જે જોય ટ્રેનને બધી એક્ટિવિટી ચાલુ થશે તે વખતે જરૂર પ્રમાણે અમે કર્મચારીઓને પાછા બોલાવીશું। હાલમાં 15-20 કર્મચારીઓ અમારી જોડે હતા અને જે આ તંત્ર પાસે આશા રાખે છે કે બને તેટલી વહેલી તકે આપણે કમાટી બાગમાં જે આ એક્ટિવિટી છે એ ચાલુ કરવામાં આવે અને જે પણ સરકારશ્રીના આદેશ અનુસાર જે નિયમો હશે એનું અમે પાલન કરીશું જેમ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવાનું આવે સેનિટાઈઝિંગ કરવાનું આવે એ ટેમ્પરેચર માપવાનું આવે એ બધા નિયમોનું પાલન કરીને આપણે એની જે એક્ટિવિટી છે આપણે ચાલુ કરીશું જે નિયમ પ્રમાણે હશે એ પ્રમાણે કરીશું। बड़ौदा शहर के म्यूजिक एकेडमी के सदस्यों ने आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया जिसमें उन्होंने म्यूजिक क्लास को शर्तीय मंजूरी से शुरू करने की अपील की थी। बड़ौदा म्यूजिक एकेडमी ने आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया जिसमें बीते 4.5 महीनों से संगीत कलाकारों की बेरोजगारी का हवाला दिया गया। वहीं म्यूजिक के कोचिंग में एक समय पे 3 से 4 ही छात्र रहते हैं तब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए म्यूजिक एकेडमी शुरू करने की इजाज़त देने की मांग की गई है। कोरोना लॉकडाउन में संगीत कोचिंग क्लास से जुड़े कलाकारों की हालत खस्ता हो गई है तब जिला कलेक्टर से म्यूजिक क्लास का संचालन शुरू करने की अनुमति देने आज आवेदन दिया गया। नमस्कार हूँ प्रसाद दशपुत्र। અમે બરોડા મ્યુઝિક એકેડમી તરફથી અને વડોદરાની તમામ મ્યુઝિક એકેડમી તરફથી આજે કલેક્ટર શ્રી શાલિની અગ્રવાલજીને અમે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે। એમાં માહી વિશેષ મુદ્દા એ હતા કે વડોદરામાં તમામ એક્ટિવિટી અને કાર્યો બધા શરૂ થઈ ગયા છે, મોટી મોટી કંપની સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે જેમાં 50-50 એમ્પ્લોયી આવે છે, આ ઉપરાંત ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે, પણ આવા સમયે અમારા કલાક્ષેત્રમાં જેટલા પણ કલાગુરુઓ છે કે કલા શીખવાડનારા છે એ લોકોની એકેડમી બંધ રાખવામાં આવી છે કે હજી એ એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં લીધું છે પણ આ એક હોબી સેક્ટર છે। મારે જણાવવાનો મુદ્દો એ છે કે આ હોબી સેક્ટર છે અને આમાં એજ્યુકેશન સેક્ટરની જેમ કે ક્લાસીસની જેમ દરેક બેચમાં 50-50, 100-100 સ્ટુડન્ટ નથી આવતા પણ દરેક બેચમાં હાર્ડલી 3-4 વિદ્યાર્થીઓ આવતા હોય છે। હવે આવા ક્ષેત્રને આપણે બંધ રાખીશું, અમે પાછલા 4-4.5 મહિનાથી બધું બંધ છે, અમારા ભાડું અમારો વેરો આ બધું જ અમારું સતત ચાલુ ને ચાલુ જ છે, અમે ભરીએ છીએ પણ એની સામે અમારી આવક શૂન્ય થઈ છે તો અમારા તરફથી અમે એક નિવેદન કરવા આવ્યા છે કે બને એટલું જલ્દી અમને આ શરૂ કરવાની એક પરવાનગી આપે। ખબરો કા સિલસિલા યુંહી જારી રહેગા પર ઉસસે પહેલે લેંગે કોમર્શિયલ બ્રેક તો દેખતે રહીએ બીઆરજી ન્યૂઝ।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बड़ौदा के आसपास के 7 गांवों को बड़ौदा महानगर पालिका सीमांकन में समाविष्ट करने का विरोध लगातार जारी है। बात करें सेवासी गांव की तो सेवासी गांव के निवासियों ने आज रामधुन के जरिए राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया। सेवासी गांव के वासियों ने आज रामधुन के जरिए सरकार के गांवों को समाविष्ट करने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बड़ौदा महानगर पालिका के सीमांकन में आने का विरोध 7 गांव के गांववासी कर रहे हैं। तब सेवासी गांववासियों ने पालिका प्रशासन और सरकार पे गांवों की जमीनों पर नजर होने का आरोप लगाया। जबकि भाजपा के कोई नेता या विधायक की भी अब सेवासी गांव वाले नहीं सुनने वाले, ऐसी बात भी मीडिया के सामने कही थी। 7 गांव के लोगों का लगातार विरोध जो चल रहा है, उसके चलते राज्य सरकार समेत बड़ौदा महानगर पालिका प्रशासन पे अब सीमांकन का विस्तार करने का फैसला एक चुनौती बन गया है। અમે આજે રામધૂન કરીને વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે કે અમારા ગામના કોર્પોરેશનમાં જવાની કંઈ જરૂર નથી અને અમે એમની સામે વિરોધ કરી રહ્યા છીએ, તો પણ કોર્પોરેશનમાં જે સાંસદ રાજકીય મંત્રીઓ બધા છે તે કંઈ સંભાળવામાં આવતું નથી કે એ એવું કહે છે કે ભારતનો આત્મા ગામડામાં વસે છે કે ગ્રામીણ એકતા રહેવા દો, ગામડાને સ્માર્ટ વિલેજ બનાવો, તો ગામડાને ગામડામાં જ રહેવા દો ને, ગામડાના લોકો જેને સ્માર્ટ વિલેજ બનાવી શકે છે એ લોકો કોર્પોરેશનમાં જઈને અમારા ગામડાને સ્માર્ટ વિલેજ નહીં પણ ગંદકીના ઢગલા બનાવી દેશે। જ્યારે કોર્પોરેશનને અમારા ગામડાની જરૂર નથી, અમારા ગામડામાં આવેલી જમીનો ખરાબો અને તળાવો એમની પર એમને નજર છે, અમારા ગામમાં એમને કોઈ જ રસ નથી અને અમે આજે રામધૂન કરી રહ્યા છીએ કે રાજ્યમંત્રી, પ્રધાનમંત્રી, ધારાસભ્યો, સંસદ સભ્યો સર્વે કાન ખોલીને સાંભળે કે ભગવાન એમને સારી બુદ્ધિ આપે અને અમને ન્યાય અપાવે, એટલા અમે લોકો આ વિરોધ કરી રહ્યા છીએ અને અમે આગળ ને આગળ ઉગ્ર વિરોધ કરવાના છીએ। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશ, મેયર, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર અને કલેક્ટરશ્રી અને વડોદરા જિલ્લાના તમામે તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો, અમારે એમને ખુલ્લી આંખ રાખીને કહીએ છીએ કે અમને આ જગ્યા ઉપર બેહાડતો આવડે છે તો દોષ મૂકો, લાથી ઉઠાડતો બી અમને જ આવડે છે। અમારે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો સમાવેશ કરવો નહીં, અમારે જવું નહીં, અમે ગામડાઓમાં ભેંસ અને દૂધ ઉત્પાદક અને ખેતી પર નપતું ગામ છે। અમારી આજે વડોદરાની મય ટીપી 1, 2, 3ની મેં આજે રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણીની કોઈ સુવિધા નહીં, ડેવલપિંગના નામ પર કરોડો રૂપિયા લઈ લીધા આ ઉડાએ, હવે ઉડાએ એવું કહે છે કે અમારી પાસે કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, એટલે એ હવે આપવા જાય છે કોર્પોરેશનને, કોર્પોરેશનને એને પાછી માત્ર ને માત્ર 24 ટીપી 24 જે આપણે નવી પાડી છે એ બધા ખેડૂતોની જગ્યા છે, એમાં તમામે 90% લોકો ખેડૂતો છે, ખેતી પર નફતા લોકો છે, એની પછી 10,000થી વધારે પશુપાલકો લોકો છે, આજે રોજ હોંચે અહીંયા આગળ 20 સવારે અને 20 હોંચે 40 કેન દૂધ અને 10 ટન જેટલી શાકભાજી પાદરાની માર્કેટોમાં જાય છે, તો પછી અમારું શહેરીકરણ શા માટે? આ માત્ર ને માત્ર જે ટીપી 24 પાડી છે એની 40% જમીન લઈ લેવાનો કારસો છે, એ 40% તો છે ને આ ખેડૂતોની લાશ ઉપર બી નહીં મળવાની, એ લખી રાખજો, ચેલેન્જ રાખજો, આવતા દિવસોમાં અમારા આત્મવિલોપન કરવાનું છે તો કરી લઈજો। लगातार 19 दिनों से संजय नगर के विस्थापितों का धरना और आंदोलन चल रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना को श्रद्धांजलि देते हुए तस्वीरों पर जूतों का हार पहनाया गया था और साथ में महिलाओं ने बड़े ही उग्र तरीके से आज पालिका प्रशासन और राज्य सरकार के सामने विरोध किया। लगातार 19 दिनों से धरना कर रहे संजय नगर के विस्थापितों के भारी विरोध की ये तस्वीरें हैं। आज इन विस्थापितों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को श्रद्धांजलि देते हुए बैसने का आयोजन किया था, जिसमें खास करके महिलाओं ने पालिका और राज्य सरकार के सामने अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। संजय नगर के पीड़ितों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तस्वीरों पर जूतों का हार पहनाया। इन पीड़ितों का कहना है कि पालिका समेत सभी भाजपा नेताओं के भ्रष्टाचार का नतीजा संजय नगर की जनता भुगत रही है। तब आज फिर संजय नगर के पीड़ितों ने अपने धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ौदा महानगर पालिका को आड़े हाथों लिया था।
કાર્યક્રમ એ રાખવામાં આવ્યો છે. આજે ધરણાનો 19મો દિવસ છે અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું અમે જે બેસણું રાખવામાં આવ્યું છે અમે તેનો નાશ કરી રહ્યા છીએ, તેનું ખંડન કરી રહ્યા છીએ કે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના નામ પર અમારા જે સંજયનગરના 2000 પરિવારને બેઘર કરી આજે 4-4 વર્ષ થઈ ગયા છે, હજુ સુધી આ લોકોએ કામ નથી કર્યું, તેનું બેસણું રાખી તેમને ચપ્પલોનો હાર પહેરાવી અને અમે રાજ્યા કૂટી અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે. આ કાર્યક્રમ તો યહી થા કે 19 દિન સે લાસ એ લોગ યહાં ધરને કર રહે હૈ, જગે જગે પે સાંસદ સે લેકે કોર્પોરેટર સે લેકે મ્યુનિસિપલ કમિશનર સે લેકે સબકો હી આવેદન પત્ર દી હૈ, લેકિન અભી તક એ લોગ કી સમસ્યા સુનને કો કોઈ આ રહા નહીં હૈ. और ये बात भाड़े की तो ठीक है, भाड़ा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, काम तो बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इनका बड़ा मुद्दा एक ही है कि इनके जो मकान तोड़े थे पीपीपी धोरण के ना प्रधानमंत्री आवासों के नाम पे, आज वो मकान तोड़ के ये लोगों ने इनके साथ अन्याय किया है. कारण कि 17 लाख स्क्वायर फुट जगह तोड़ के ये लोगों ने छुट्टी कर डाली है ने आज ये लोग इनको एक छोटे से मकान दे के इनको मतलब खुश करना चाहते हैं, लेकिन ये जो छोटे से मकान उसमें ये लोग खुशी नहीं दे सकते हैं. कारण कि एक एक के घर में 8-8, 10-10 जन की फैमिली है, तो ऐसे ऐसे घर बहुत है, तो इनको 300 स्क्वायर फुट में किस रीत से मैनेज करेंगे ये बड़ा मुद्दा है. और अगर कॉरपोरेशन इनको 600 स्क्वायर फुट का मकान नहीं देती है तो ये काम तुम्हारा बोरिया बिस्तरा उठाओ, तुम्हारा डंपर निकालो ना, हमारी जगह हमको दे दो, हम लोग बांध डालेंगे. जब तक इनका मुद्दा स्वीकारने में नहीं आएगा तो ये रेला बड़ौदा से गुजरात से लेके प्रधानमंत्री यहाँ से बन के दिल्ली गए तो हम यहाँ से लेके हम भी दिल्ली जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जब तक ये लोगों की मांग नहीं सुनाई दे. बील गांव के वासियों ने आज एक घंटे का प्रतीक उपवास किया. उनकी भी मांग बड़ौदा महानगर पालिका सीमांकन में नहीं आने की है. साथ ही में गांव वासियों ने बताया कि बड़ौदा महानगर पालिका की नजर गांव की जमीनों पर है. बड़ौदा महानगर पालिका सीमांकन में समाविष्ट होने का विरोध कर रहे बील गांव के ये वासी हैं. बील गांव में आज सभी गांव वासियों ने एक घंटे का प्रतीक उपवास किया, साथ में राम धुन के जरिए पालिका और राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ग्राम पंचायत में सही और सटीक तरीके से गांव का संचालन होने का हवाला देते हुए बील गांव के लोगों ने पालिका की हद में आने से इनकार कर दिया है. विरोध पहलाथी ज गामडाओनो चालू हतो, सरकारे विरोध ने संज्ञान में लेवोज पड़से अने मम्मत छोड़वी पड़से के नहीं थाय ए नहीं चाले, समाधानकारी रस्तो काढ़वोज पड़से. आजे बील गामना ग्रामजनों स्वयंभू एक कलाकना प्रतीक उपवास पर उतरिया छे अने रामधुन बोलावी रह्या छे के भगवान राम एमने सदबुद्धि आपे के तमे खोटा रस्ते जई रह्या छो, पाछा वळो. અમે અમારું ગામ કોર્પોરેશનમાં જવા દેવા માંગતા નથી. અમારા ગામમાં રોડ, રસ્તા, સ્ટ્રીટ લાઇટ, ગટર લાઇન બધી સુવિધાઓ છે અને આ લોકોને અમારા ગ્રામ પર જ કેમ, ગ્રામ્ય વિસ્તાર ઉપર જ કેમ આ લોકોનો દે છે? અમારે એ લોકોને ટેક્સ વસૂલાત કરવી છે એટલે અમારે અમારું ગામ કોઈ પણ સંજોગોમાં અમે નહીં આપીએ. ઉગ્ર આંદોલન કરીશું જ્યાં સુધી અમને અમારું કોર્પોરેશનમાં ગ્રામ્ય વિસ્તાર પંચાયત નહીં ચાલે ત્યાં સુધી અમે ઉગ્ર આંદોલન પર આવીશું. અને મધ્યમ વર્ગીય છે બરાબર, મધ્યમ વર્ગીય પોતાના બાળકો ભણાવશે તો પછી ઘરનું ગુજરાન ચલાવશે તો પછી એમના ટેક્સ ડબલ ભરશે. ખબરો કા સિલસિલા યુંહી જારી રહેગા, પર ઉસસે પહેલે લેંગે કોમર્શિયલ બ્રેક, તો દેખતે રહીએ બીઆરજી ન્યૂઝ. બીઆરજી ગ્રુપ. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. बड़ौदा शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे आई राजस्तंभ सोसाइटी के निवासी आज मेयर कार्यालय पहुंचे.
बीते कई सालों से ये सोसाइटी में गंदगी और बरसाती जल भराव की समस्या है। निवासियों ने बताया कि अगर इस साल भी इनकी ये समस्याएं हल नहीं होती है तो वो पालिका चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। शहर के काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे आई राजस्तंभ सोसाइटी के निवासियों ने आज मेयर को आवेदन दिया। बीते कई सालों से गंदगी और बरसाती जल भराव की समस्या ये निवासी झेल रहे हैं। तब कई मेयर पालिका में आए पर इन नागरिकों की समस्याओं का हल अभी तक नहीं आया। तब आज राजस्तंभ सोसाइटी के निवासियों ने मेयर से इन समस्याओं का जल्द निवारण और हल करने की अपील की। साथ में अगर अब की बार इनकी समस्या प्रशासन नहीं सुनेगा तो आने वाले पालिका चुनाव के बहिष्कार का भी ऐलान इन निवासियों ने आज किया। आज राजस्तंभ सोसायटी आगेवनों प्रमुखश्रीओ बदा आवेदन पत्र आप अमने काउंसिलरशी आवेदन पत्र अपाया था साथ साथ मेयरश्री ने अपाया था अने छेल्ला 20-20 वर्ष थी जे प्रश्न जे वरसादी गटरनो जे लोकोना घरों में पानी भराई जाए जे, जे गंदू गटरनू पानी छे एटले अमे तो छेल्ला 10-10 वर्ष थी जेसी काउंसिलर छे तेथी रोजे दर वक्त सभा में मौखिक लेखित कमिश्नर साहेब ने रजूआतों करी छे स्थल पर जईने आपना माध्यम थी भी अमे रजूआतों करता आया छे। जो आ गया वक्त में एक वरसादी कास आग बनावता था एनो स्लैब खरेखर न तो भरवा पर जबरदस्ती अमे ए समय में खात मुहूर्तना दिवसे विरोध करे तो कि आ स्लैब ना भरवामां आवे एना थी विस्तारना नागरिकों ने नुकसान थशे पण भारतीय जनता पार्टी ना सत्ताधारी पक्षना काउंसिलरो अमने जबरदस्ती थी ए कामगीरी करवामां आवी अमारो विरोध करे कि ना कामगीरी करीशुं ना कामगीरी कर्या पछी तमे जोई शको दरेक राजस्तंभना काशी विश्वनाथ सोसायटी डायबर सोसायटी दरेक सोसायटी में लोगों घरों में 5-5, 6-6 फूट पानी भरायेलू दरेक व्यक्ति ने करोड़ों रुपया नुकसान थयेलू एनी पर अमे मांगनी करेली के वळतर एमने मळवू जोईए कोई जातनु वळतर आपवामां नथी आव्युं आ वखत फरीथी पानी लोकोने नुकसान थशे तो अमारा सोसायटीवाळा आजूबाजूना लोको तुरंत हवे वेरो भरवानो भी बंद कर देशे चूंटणीनो भी बहिष्कार करशे एवी सोसायटीवाळानी ने अमारी एवी मांगनी छे के वहेली तके तई पानी जे आगळ जतुं बंद थवुं छे एनो निकाल थवो जोईए एवी अमारी मांगनी छे। मेयर जिगीसाबेन सेठ ने इनकी अपील के सामने राजस्तंभ सोसाइटी के नागरिकों की समस्या जल्द हल करने का आश्वासन दिया। हाँ, राजस्तंभनी पासे एटले के काशी विश्वनाथनी बाजू माने राजस्तंभनी आ बाजू मेन रोड पर एक मोटो तळाव जेवू पाणी भराई जाय छे। ओरिजिनली एक कंईक खाड़ो हतो अने एमां पाणी भराई जाय छे અને તકલીફ એ છે કે એમાંથી જે આગળ એક ચેનલ બનાવી ક્લોઝ ચેનલ જે આપણે બનાવવાનો એક કોન્સેપ્ટ હતો એ પ્રમાણે ચેનલ બનાવી એમનું કહેવું એમ છે કે એમાં ગ્રેડિયન્ટ કંઈ બરોબર નથી લીધેલું આપણે જોવડાવી લઈશું પણ સમહાઉ ઇટ ઇઝ નોટ સક્સેસફુલ એ જે બનાવી છે આઈ એગ્રી ટુ દેટ પોઈન્ટ કે જે જવું જોઈએ પાણી એ જતું નથી અને જે નાના પંપોથી ઉલેચવાની કોશિશ કરીએ છીએ એમાં કંઈ બહુ પાણીનો નિકાલનો સમસ્યા આવતી નથી એટલે બે વસ્તુ મેં એમને કહી છે કે હું તપાસ કરાવી લઈશ કે કયા ડ્રેનેજના કનેક્શનો અંદર છોડેલા છે અને એનો શું ઉકેલ આવે કારણ કે કદાચ વર્ષોથી છોડી દીધેલા હોય એટલે તાત્કાલિક આજે ને આજે એની કંઈ લાઈન નખાઈ જાય કે ઉકેલ આવે એવું બનવાનું નથી પણ છતાં બી એનો શું ઉકેલ આવે એ જોઈ લેવું પડે એક વાત અને બીજી કોઈ રીતે માનો કે આ ખાડો હમણાં ટેમ્પરરી એ ટેમ્પરરી ઉપાય છે કોઈ રીતે ખાલી કરાતો હશે તો એના માટે હું ચોક્કસ એન્જિનિયર્સને બોલાવી લઉં છું અને એના માટે હું ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીશ અને લાંબા ગાળાનું આયોજન જો થતું હોય કે પેલી બાજુ લાલબાગથી વિશ્વામિત્રી તરફ કંઈક ચેનલ ઓપન બનતી હોય કે કંઈક કરાતું હોય આગળ બહુ વર્ષો પહેલાં કંઈક કર્યું હતું એવું એમનું કહેવું છે એટલે એવો બી કંઈ ઉકેલ આવે તો એ અત્યારે તો નથી શક્ય પણ ટેમ્પરરી કંઈ પણ ઉકેલ કરીને એમને તકલીફ ઓછી પડે એવું હું ચોક્કસપણે જોઈ લઈશ। शहर पीसीबी पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया जिसमें अंतरराज्य लग्जरियस कार चोरी समेत बिक्री के पूरे रैकेट को पकड़ा गया है। अंतरराज्य लग्जरियस कार चोरी और बिक्री का पूरा रैकेट जो चल रहा था उसका पर्दाफाश पीसीबी पुलिस ने किया है। दिल्ली राजस्थान और गुजरात में से बड़ी और लग्जरियस कार को चुराने के बाद उसके फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने का ये रैकेट कई समय से चल रहा था जिसमें शकील गुड्डू अंसारी और तरुण नाथाणी नाम के आरोपियों को पीसीबी ने धर दबोचा है। इस पूरे रैकेट में शकील जो राजस्थान का निवासी है वो दिल्ली में से लग्जरियस कार की चोरी को अंजाम देता था जिसके बाद अहमदाबाद का निवासी गुड्डू अंसारी इस चोरी की कार के फर्जी दस्तावेज बनाता था और आखिरकार बड़ौदा का निवासी तरुण नाथाणी इस कारों को बेचने की पूरी प्रक्रिया करता था।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तफ्तीश में पुलिस ने कई लग्जरियस कार समेत इन तीन आरोपियों को धर दबोचा है। एक्चुअली पुलिस कमिश्नर से को एक बात में मिली थी कि बड़ौदा सिटी में कई लग्जरी कार हैं जो आधी कीमत में उसको मिलती है, तो उन्होंने टास्क दिया पीसीबी को, पीआई इकानमिया और उनकी टीम को। तो उन्होंने वर्कआउट करने के बाद मालूम पड़ा कि कोई ऐसी एक गैंग है जो लग्जरी कार चोरी करके लेकर आती है, डॉक्यूमेंट फॉर्ज बनाती हैं और ग्राहक को अपने विश्वास में लेकर उनको ये नई कार लगभग आधी कीमत में वो दे देते हैं। तो वो तपास करने के बाद बड़ौदा पीसीबी ने, बड़ौदा पुलिस ने करीब 8 गाड़ियाँ बरामद की हैं, उसकी कीमत है लगभग 1,88,00,000 रुपया। 3 तोमदार इसमें अभी भी इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा है वो तरुण नाथानी हैं जो कोटा बड़ौदा में रहता है, दूसरा शकील है इज़ फ्रॉम राजस्थान, और दूसरा जो गुड्डू अंसारी है वो अहमदाबाद में रहता है, शकील भी अहमदाबाद में रहता है लेकिन है राजस्थान का। एमओ ऐसी है कि शकील है वो अपने दोस्तों के साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से बड़ी लग्जरी कार लेकर आता है। वो उनका मीटिंग स्थल है राजस्थान में जयपुर, तो वो व्हाट्सएप पर गाड़ी का फोटो भेजेगा, गुड्डू और तरुण दोनों साथ में जाएंगे जयपुर, वहाँ जाके अपनी गाड़ी का तोलमोल करके उसको पुराने जो डॉक्यूमेंट है उसको नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं और जो जिसको बेचना है उसको विश्वास में लेते हैं और ये डॉक्यूमेंट ऐसे बनाते हैं कि आदमी को ऐसा लगता है फर्स्ट साइड पर कि पूरा अच्छे डॉक्यूमेंट और सही डॉक्यूमेंट है। इस तरह से उन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ निकाली हैं। तरुण नाथानी जो है अपने बड़ौदा का है, वो अतरे दिल्ली क्राइम ब्रांच में उसे उन्होंने पकड़ा है। हमने 8 गाड़ी रिकवर की है और आज हम यहाँ गुनाह दाखिल करते हैं और बाद में जो बाकी के जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसको। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। लॉकडाउन के समय में सोशल मीडिया पर कुकिंग स्पर्धा में राज्य कक्षा में विजेता बनी हेली शाह अपने आईटी करियर के साथ कुकिंग की हॉबी को भी देना चाहती है तवज्जो। संजय नगर के विस्थापितों ने प्रधानमंत्री आवास योजना को दी श्रद्धांजलि, जूतों का हार तस्वीरों पे पहनाकर आयोजित किया बेसना। अंतर्राज्यीय लग्जरियस कार चोरी और बिक्री का पर्दाफाश करती पीसीबी पुलिस, 3 आरोपी समेत बड़ी मात्रा में वैभवी कार का काफिला किया बरामद। ये थी अब तक की खबरें, कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक बीआरजी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार।